सारुरे साधारणतः पत्रपोड़ा रोग होइथाए ताकु लिफ ब्लाइट बोली कुहा जाए एहार वैज्ञानिक नाम फ्लाइटोप्थेरा कोलकासिया सारुगछ एइ रोग जोगु आक्रांत हेले प्रथमे पत्र उपरे एक छोटिया पानी रे भिजा होइथिबा बादामी रंगर चिन्ह देखा जिवार लक्षण मिलिथाए एइ चिन्ह समय क्रमे एहार आकार वृद्धि पाइबा सहित अधिक संख्या रे देखा जाए किछि दिन परे फसल पोडीगला भळी होइ गछ मरि जाए एही रोगर निराकरण पाई चाषी को प्रथम सतर्क रहिबाकु पड़िथाय सबुबेले हृष्टपुष्ट निरोग सारु बिहन भाव में बाछिबा उचित पत्रपोड़ा रोग में आक्रांत होइथिबा सारु गछर पुआ को बिहन भाव में निर्वाचित करिबा थारु दूरे रहिबा दरकार मुक्ता केसी उन्नत किसम बिहन में पत्रपोड़ा रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक थाए तेणु मुक्ता केसी बिहन को चाषपाई व्यवहार कले अधिक सुफल मिले सारु क्यारी रे आखपाख अंचल उठिता अनावना सारु गछ को ओपाड़ी देवा उचित एक किलोग्राम सारु बिहन में दुई ग्राम मैंकोजेन गोल एक द्रवण प्रस्तुत कर नचे ट्राइकोड रमाभेरिट नामक कवक को 10 ग्राम हिसाब से व्यवहार कर बिहन को विशोधन करवा उचित सारु फसल अंत फसल भाव भेंडी अदा एवं हलदी लगे सारु फसल पत्रपोड़ा रोग द्वारा आक्रांत होवार संभावना कम थाए नचे सहल अमलक्षम तेलिया प्रजातिर किसम मार्च्रु एप्रिल मासरे लगाइले एहा पत्रपोड़ा रोगरु रक्षा पाइथाय पत्रपोड़ा रोगरे संक्रमित पत्रगुडीकु छिंडेई नष्ट करदेबा उचित सर्वोपरि बाइटक्स 50 कपर अक्सिक्लोराइड औषधकु 2-3 ग्राम 1 लिटर पानी रे गोळेइ सिंचन करिबा द्वारा पत्रपोड़ा रोगरु मुक्ति मिलिथाय मार्च एवं एप्रिल मासरे लगा होइथिबा सारु गछरे 7-10 दिन अंतर रे पानी देवा को पड़ता है वर्षा दिन जदि वर्षा न हुए तबे 15-20 दिन अंतर रे जलसेचन करिबा उचित।